वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होता है और इसका सिंटैक्स क्या है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे बेसिक स्टेटमेंट है और सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इफ स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट है और इसका जो सिंटैक्स है नॉर्मली इफ स्टेटमेंट का, वो सिंगल स्टेटमेंट के लिए इस तरह है। अगर हमारे साथ सिंगल स्टेटमेंट है तो हम एफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में कंडीशन लगाते हैं। अगर इस तरह कंडीशन है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर ये स्टेटमेंट अगर इस तरह कंडीशन नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मल्टीपल स्टेटमेंट जब होते हैं तो इसके लिए बॉडी लिखनी पड़ती है, मतलब एफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में और इस सेमीकोलन नहीं होता कंडीशन के बाद, और इसके बाद हम ये दरमियान ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है हमारे साथ वही हम लिखते हैं और इसके बाद एफ की जो बॉडी है वो बंद करते हैं। तो यही मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए एफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। क्या अगर हमारे साथ कंडीशन ट्रू है तो एफ के बाद जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, मतलब ये इग्नोर करेगा कंपाइलर और इस पर एक्शन नहीं लेगा। अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट से, तो हमें बॉडी को कर्ली ब्रेस के अंदर वो सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं और एक इफ स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेस लगाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की हमने एक फ्लो चार्ट बनाई है जिसमें इफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन का तरीका है। पहले प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो है कंडीशन के ऊपर, ये जो निशान है तीर का, ये प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो है। इस तरह जब इफ स्टेटमेंट को कंपाइलर की एग्जीक्यूशन पहुंच जाती है तो यहाँ पर इफ के बाद हम कंडीशन लिखते हैं, यही कंडीशन चेक होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ की जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन एफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जा हमारे साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने एक इंटीजर एक्स लिया है और फिर हमने सी आउट में लिखा एंटर आ नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा, सी एन में हम वही उससे नंबर जो है वो लेंगे और वो एक्स में स्टोर होगा। इसके बाद हमने एफ लगाया, एफ की जो बॉडी है इसमें कंडीशन की जगह पर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है, अगर एक्स डिवाइड बाय टू की जो रिमाइंडर है, मतलब अगर वो जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू जो है वो इवन है। हमने इस तरह प्रोग्राम लिखा है, अगर यूजर 12 एंटर करेगा तो 12 इवन नंबर है और यहाँ पर 12 आएगा। अगर आप इसको इस कंडीशन से चेक करें तो एक्स की वैल्यू 12 करें और 12 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। कंडीशन ट्रू है तो एफ के बाद जो स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमने कर्ली ब्रेस नहीं लगाए हैं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एफ एल स्टेटमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।